ठाकुर जी मन मन सोच रहे हैं दारी के, अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा, ठाकुर जी क्षमा कर दियो छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयं वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र, और जैसे ही पानी लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही चार भुजा प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया, चतुर्भुज नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए, और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपने झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं, आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे मुझे बहुत स्नेह देती है, यदि बाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुकु पुजारी जी, या कि पूजा करे करो भगवान है, मुकु मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा।